हार्डनेस के लिए, टोटल हार्डनेस के बाद हम करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 50 ml वाटर सैंपल लेना पड़ेगा। 50 ml वाटर सैंपल लेना है और उसको फ्लास्क में डालना है। फ्लास्क में डालेंगे। फ्लास्क में डालने के बाद अब इसमें हम 2 ml 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। जो है हमने फ्लास्क में डाल दिया। इसके बाद हम इसमें इंडिकेटर डालेंगे जो कि म्यूरी ऑक्साइड इंडिकेटर है। म्यूरी ऑक्साइड इंडिकेटर ये डालेंगे। इससे क्या होगा, कलर जो होगा वो कैसा होगा भाई, पिंक कलर आ जाएगा। है 0.2 ग्राम है जिसको हमने मेजर किया है, पिंक कलर आ रहा है। इसमें म्यूरी ऑक्साइड इंडिकेटर हमने डाल दिया। अब यहां पे क्या है, इसको शेक करो। यहाँ पे पिंक कलर आएगा, आ रहा है, लाइट पिंक हो गया। थोड़ा जोर लगा लो। इसके बाद पिंक कलर आ गया भाई। हाँ तो ये देखो पिंक कलर आ गया। इसको अब हम टाइट्रेट करेंगे सेम ईडीडीए के साथ जो हमारा टाइट्रेट है, और फाइनल वैल्यू निकालेंगे इससे। और यहाँ पे हमने जो ब्यूरेट में रखा है वो ब्यूरेट में ईडीडीए है, इसकी इनिशियल वैल्यू जो है दैट इज 0। ये पिंक कलर है, इसको टाइट्रेट करो। कौन सा कलर आएगा लास्ट कलर, जो हमारा एंड पॉइंट आएगा पर्पल कलर आएगा। ठीक है, चेक करो। तो यहां पे आप देख रहे हैं जो एंड पॉइंट है हमारा दैट इज पर्पल कलर, और एंड पॉइंट जो है कितने मिलीग्राम यूज हुआ अपना, टाइट्रेट कितने मिलीलीटर यूज हुआ। सर वापिस बोलना। 8.9 जो है मिलीलीटर टाइट्रेट जो है ईडीटीए का यूज हुआ, और हमारे पास जो कलर है ये पर्पल कलर आ गया, दैट इज द एंड पॉइंट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा टाइट्रेट यूज हुआ वो कितना है, कैलकुलेशन के लिए करना। टाइट्रेट मिलीलीटर ऑफ ईडीडीए यूज कितना हुआ, दैट इज 9 × 4 5 × 1.05 / 50। कैलकुलेट करो जरा इसको। 74.85 mg/L। तो जो कैल्शियम की प्रेजेंस है इस वाटर सैंपल में वो कितनी है, 74.85 mg/L। ये हमारे पास कैल्शियम आ गया। अब हम मैग्नीशियम निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा था, यहाँ पे जो टोटल हार्डनेस थी वो कितनी थी, 334 mg/L माइनस 74.85 mg/L। तो वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेट करो, 59.15 mg/L। तो ये जो है दैट इज द मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन इन ए गिवन वाटर सैंपल। और यहां पे अगर आप देखोगे तो कैल्शियम की हार्डनेस जो है वो कम है एंड मैग्नीशियम की हार्डनेस जो है वो ज्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो है टोटल हार्डनेस और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम से जो हार्डनेस थी वो हमने कैलकुलेट कर दी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।